हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस, बीच में जो मैच था बिटवीन आरसीबी वर्सेस गुजरात, तो गाइस जो विराट कोहली ने गाइस अपना शर्ट पे गाइस नूर लिखा, ठीक है, नूर ने विकेट लिया था, ठीक है। तो डियर नूर, वेल बॉल्ड, विश यू द बेस्ट। तो गाइस उसने, विराट कोहली ने ऐसा जर्सी पे लिख के और नूर अहमद को भाई गिफ्ट दिया भाई, ठीक है। तो पाकिस्तान मीडिया भाई भाई कुछ तो रोने लगे। तो गाइस लेट्स सी भाई पठान भाई क्या बोलते हैं। गाइस चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जो आप लोग मेरी साइड में पिक देख रहे हैं, विराट कोहली ने अपनी जर्सी साइन करके नूर अहमद को दी एक स्पेशल मैसेज के साथ, आप देख रहे हैं आपके साइड में। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हुआ हमारे पड़ोसियों से और बोलने लगे कि विराट कोहली से अफगानिस्तान के प्लेयर्स गालियां भी खाते हैं और वही विराट कोहली के आगे राम राम भी करते हैं। बड़े बेवकूफ हैं, इनकी मेमोरी ना बहुत कम है। इससे पहले कि मैं इनकी औकात आप लोगों के सामने रखूं, उससे पहले आप लोगों को यह बताता चलूं कि विराट कोहली का दिल बहुत बड़ा है। यह हकीकत है कि विराट कोहली एक एग्रेसिव प्लेयर है और मैच के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आता है उनको, और अगर कोई प्लेयर सामने वाला आउट भी हो जाता है तो फील्ड करते हुए या फील्डिंग करते हुए विराट कोहली का रिएक्शन या एग्रेसिव चेहरा देखने को मिलता है। लेकिन दिल बहुत साफ है और दिल बहुत बड़ा है, और स्पेशली अफगानिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान के प्लेयर्स को लेकर। अब रिप्लाई करता हूं उन पड़ोसियों को, उन भिखारियों को जो नूर अहमद की जो इस जर्सी पे विराट कोहली का चर्चा मना रहे हैं कि अफगानिस्तान के प्लेयर हमेशा जो है विराट कोहली के आगे राम राम करते हैं। तो दोस्तों पिक चेंज हो गई है आपके आगे। ये पिक जो है ये 2023 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप की है, जब मैच हारने के बाद पापड़ आजम यानी के घंटा जब विराट कोहली के पास गए थे तो उन्होंने दो चीजें मांगी थी, एक कैमरे पे दिखाया था, एक आउट ऑफ कैमरा जो नहीं दिखाया गया था। बाद में जो है वो बात सामने आ गई थी, जिसमें पीसीबी ने बहुत हंगामा भी बनाया कि भाई मैच भी हारे और सारे क्रिकेट फैंस पाकिस्तान के बाबर आजम को गाली दे रहे थे कि एक तरफ से तो मैच हारे, बड़ा गंदा, क्यामत की रात थी पाकिस्तान के लिए। उसी रात को ही बाबर आजम जाके विराट कोहली से जो है छड्डी और जर्सी मांगता है। देखिए जर्सी तो उन्होंने मांगी थी बाबर आजम ने कि मेरा एक कजन है या कजनी है, बहुत आपसे प्यार करती है, वो एक जर्सी जो है अगर आपकी मिल जाती है। तो विराट कोहली का दिल बड़ा है, उन्होंने पट से जो है साइन कर दिया अपनी जर्सी महंगी वाली, लेकिन बाबर आजम ने साथ में एक चड्डी भी मांगी थी। जिसमें विराट कोहली का रिएक्शन था कि भाई आप इतने गरीब तो नहीं हो कि आप मेरी चड्डी भी मांग रहे हो। तो बाबर आजम ने कहा कि कायदे आजम की कसम में बाबर आजम मेरी चड्डी में चेद है। ये बात सुनकर विराट कोहली की आंखों से पसीना आया और उन्होंने जो है अपनी छड्डी उतार कर दोस्तों वहीं पर साइन कर दिया और बाबर आजम को दे दिया और कहा कि मेरे दोस्त ये छड्डी मैंने आज तक किसी को नहीं दी, तेरी छड्डी में छेद है। तो भाई मैन वर्सेस मैन का दर्द समझ सकता है, इस वजह से मैंने आपको छड्डी दे दी। यकीन नहीं आता तो आज भी बाबर आजम का पजामा उतार के उसकी छड्डी देके विराट कोहली की छड्डी पहन के घूम रहे हैं। और ये बात करते हैं नूर अहमद। नूर अहमद देखें क्रिकेट की दुनिया में, देखे नॉर्मल एज की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिकेट की दुनिया में एक छोटा सा बच्चा है जो अभी नया नया आया है और अभी एक्सपीरियंस जो है उसका इतना नहीं है। तो विराट कोहली ने उसको छोटा समझकर या कुछ भी समझकर जो है उसको अपनी एक जर्सी एक बहुत प्यारे मैसेज के साथ किया, डियर नूर जो है वेल बॉल जो भी है ये आपके सामने आप पिक पे देख रहे हैं, ये लिख के दे दिया और कहा कि ये जर्सी आपकी हुई। इस ये चीज हमारे पड़ोसियों से अजम नहीं होती। भाई एक बात बताओ पाकिस्तानियों, ये तो सुना है कि आटा जो है पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, ये जो आटा नहीं मिल रहा था कि जो लोग आटा खाते हैं वो इतनी जलन नहीं रखते अपने दिल में, जो आटा खाते हैं वो इतना नहीं जलते किसी और प्लेयरों से। मेरे को लगता है आप लोग ठट्टी खाते हो, जो इतनी जलन होती है अफगानिस्तान के प्लेयरों से कि भाई क्यों विराट कोहली ने जर्सी दे दी, आपका घंटा, आपका प्लास्टिक का लोला बाबर आजम इतना बड़ा इवेंट में मैच हारने के बाद विराट कोहली के आगे हाथ फैला के उसकी छड्डी और जर्सी मांगता है, उस वक्त नो प्रॉब्लम। और तो गाइस मैं बता देता हूँ गाइस, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या पता है क्या, जैसे मैच खत्म होता है, वर्ल्ड कप के मैच है, ठीक है, तो वर्ल्ड कप के मैच में तो गाइस उन लोग जब हाथ मिलाते ना, मैच खत्म हुआ हाथ मिलाते, तो गाइस जो शादाब खान है गाइस, ठीक है, शादाब खान वो उसके कान में बोलता है विराट कोहली के कान में कि भाई भाई एक काम करो ना भाई, बाबर आजम को भाई जरा एक जर्सी पहुँचा दो भाई ऐसा करके।
तो गाइस वो सब मान रखने के लिए, ठीक है, विराट कोहली को इतना फोर्स करने के बाद, तो गाइस ठीक है फिर वो जर्सी निकालता है और वो अपने साइन करके वो बाबर आजम को देता है गाइस। ऐसा होता है गाइस, ठीक है, बाबर आजम सामने से नहीं जाता है, वो शादाब खान के थ्रू, क्योंकि शादाब खान और विराट कोहली का थोड़ा अच्छा बॉन्ड है, तो उसके कारण गाइस दिस इज द वाटर, दिस इज द पीक ऑफ लेफ्ट साइड में जो पीक है गाइस वो वर्ल्ड कप का गाइस। दिस इज, अगर उस पर ऑब्जेक्शन भी पाकिस्तानियों ने लगाए तो इस वजह से नहीं लगाए कि बाबर आजम ने बीक क्यों मांगी, क्योंकि बीक बाप दादाओं की निशानी है इनकी भाई। मसला यह था कि ये मैच हार गए थे, अब मैच हारते वक्त फिर बीक मांगना ये बहुत बुरी बात है, लेकिन इसको बीक नहीं बोलते, ये प्यार का तोहफा है। यहाँ पे तो विराट कोहली ने बड़ा दिल खोलकर नूर अहमद को अपनी जर्सी दिया, वहां तो विराट कोहली से जर्सी मिलना मतलब भाई तुम समझो भाई बहुत वैल्यूएबल चीज है भाई, वो एक ट्रॉफी से एक ट्रॉफी के जैसा है भाई, एक जर्सी मिलना, जर्सी इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग, ठीक है, वो भी लेजेंड से आ रहा है भाई, तो समझो भाई वो वैल्यू कितना रखता है। अगर ये जर्सी अगर बोली लगी भाई तो मतलब समझो भाई कितना महंगा बिकता है भाई, ये सब चीज समझो भाई। बाबर आजम हाथ पे ला के मांग रहा था, और ये ओरिजिनल जर्सी है जो विराट कोहली पहनता है भाई मैच में, तो उसके भाई छड्डी दे दे, मेरी छड्डी में छेद है, इतना गरीब बंदा हूं मैं। 80% लोगों की छड्डी में छेद होता है नॉर्मली, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मर्द होते हैं ना वो ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं करते, वो छड्डी जब तक फट नहीं जाती नई छड्डी नहीं खरीदते, लेकिन ऐसा नहीं करते कि वो किसी और को बोलते हैं कि मेरी छड्डी में छेद है। लेकिन बाबर आजम ने उस दिन विराट कोहली से कहा कि भैया मेरी छड्डी में छेद है और बहुत बड़ा छेद है। तो विराट कोहली ने शायद बोला होगा कि अंदाजे से बताओ कितना बड़ा छेद होगा, तो बाबर आजम ने कहा होगा जितना बड़ा स्टार हमारे फ्लैग में बना है उतना ही बड़ा छेद है मेरी छड्डी में। तो बाबर आजम ने छड्डी भी दी और जर्सी भी दी। और तब जब बाबर आजम वापस पाकिस्तान गए तो उन्होंने एक नई कार भी खरीदी थी, मेरे ख्याल से वो छड्डी और जर्सी दोनों बेच दी इसने। एनीवे, अगर आइंदा अफगानिस्तान के प्लेयर पे बोलोगे तो ये मत बोलना कि यहाँ भी एक सवा शेर बैठा हुआ है तुम लोगों को रिप्लाई करने के लिए। तो लव यू दोस्तों, कमेंट सेक्शन। तो गाइस देखो भाई, सिंपल सा बात है भाई, अफगानिस्तान को भाई कुछ बोलो ही मत भाई, सिंपल सी बात है भाई, उन लोग अभी उन लोग के इतने प्लेयर्स कोई सीनियर नहीं है भाई, जो एकदम नेक्स्ट लेवल पे जो भाई बने, अभी उन लोग ग्रो कर रहे हैं, उनका क्रिकेट ग्रो हो रहा है अफगानिस्तान का, ठीक है, और इंडिया हेल्प कर रहा है, दोनों को बोलते ना एकदम ग्रो कर रहा है वैसा, हम दोनों वी आर वेरी स्ट्रांग, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई अफगानिस्तान भी, अफगानिस्तान में क्रिकेट एकदम बूम करे भाई, मतलब उनका भी एक नेशन हो, मतलब एक कंट्री हो जिसमें क्रिकेट इज़ लाइक वेरी फेमस, लाइक हाउ इंडिया बिकम नाउ, तो उन लोग भी वर्ल्ड कप जीते, उन लोग में भी पोटेंशियल है गाइस T20 वर्ल्ड कप जीतने का, उन लोग में भी मस्त बॉलर है भाई, रशीद इस बार लीड कर रहा है भाई, तो आई होप गाइस ऑल द बेस्ट फॉर अफगानिस्तान टीम, लव यू ऑल, लव यू ऑलवेज, एंड मेक श्योर आप लोग हराओ पाकिस्तान को भाई, वी आर देयर फॉर यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया रहेगा गाइस, ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, से हैप्पी गाइस, ठीक है, और गाइस अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो गाइस मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।